मुंबई से बहुत अच्छी खबर है। इस खबर का ताल्लुक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पीएम मोदी के गुरु से। पीएम मोदी ने भी अपने एक प्रोग्राम में मन की बात में गुरु का जिक्र किया था। जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन सिंह की रिपोर्ट देखिए। करीब 90 साल की उम्र, बीती यादों में गुजरता वक्त, लेकिन बात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो तो इनकी आंखों में चमक देखी और महसूस की जा सकती है। यह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु, रिटायर्ड शिक्षक रास बिहारी मणियार। किसी शिक्षक का छात्र देश का प्रधानमंत्री हो, उसके लिए इससे बड़े गर्व और सम्मान की बात और भला क्या हो सकती है। पीएम मोदी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले अपने कार्यक्रम मन की बात में भी अपने गुरु रास बिहारी मणियार का जिक्र किया था। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। जिनको अपने से ज्यादा अपनों की चिंता होती है, वो अपने शिष्यों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं। रास बिहारी मणियार पीएम मोदी को हाथों से लिखा खत भेजते हैं। चिट्ठी में पीएम के काम का भी जिक्र होता है, साथ ही एक गुरु का संदेश भी होता है जिसे प्रधानमंत्री मोदी बड़े ध्यान से पढ़ते और जवाब देते हैं। कि मेरे एक शिक्षक, अब उनकी 90 साल की आयु हो गई है, आज भी हर महीने उनकी मुझे चिट्ठी आती है, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी आती है। महीने भर में उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं उसका कहीं ना कहीं जिक्र आता है, कोटेशन आता है। ये सिलसिला मतलब 1998 से शुरू हुआ। 98 से रिलेशन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द राइटिंग, मतलब एक चिट्ठियों के माध्यम से। रास बिहारी मणियार ने पुरानी यादों को सहेज कर रखा है। उनके पास पीएम मोदी के उस वक्त की भी तस्वीर है जब वो 9वीं क्लास में पढ़ते थे। तब रास बिहारी बड़नगर के हाई स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे। There was a group of students who were associated with RSS. My one teacher, Shombhai Patel, now he is a doctor, Shombhai Patel, he used to look after it. So they, after school hours, they used to go in the maidan mein, ground mein jaate the, and there they used to have exercise, lectures and all that things. पिछले दिनों रास बिहारी मणियार के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ईमेल के जरिए उन्हें बधाई संदेश भेजा था। जन्मदिन पर मिले पीएम के संदेश से रास बिहारी बेहद खुश हुए। उनका जन्मदिन था, उनका फोन आया था, ही रोड मेरे ईमेल पर आया उनका, हैप्पी बर्थडे रास बिहारी, जुलाई 28, 16, डियर रास बिहारी, wish you a very happy birthday. This year bring more happiness and success in your life. Narendra Modi. रास बिहारी मणियार को कविता लिखने का भी शौक है। वो कविता लिखने के बाद पीएम को भेजना नहीं भूलते। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई।